देख रहे हैं अंबर टाइम। आदिवासी अंचल में सरकारी जमीन को किस तरह से निजी रखने का खेल पटवारी कर रहे हैं, इसका खुलासा आज जनसुनवाई में आई शिकायत से हुआ। एक आदिवासी व्यक्ति ने एक पटवारी के खिलाफ सरकारी जमीन को नाम कर फर्जी पावती बनाकर देने की शिकायत की। पावती बनाने के नाम पर 1,90,000 रुपए भी पटवारी द्वारा लिए जाने का आरोप आदिवासी व्यक्ति ने जनसुनवाई में पहुंच कर लगाया है। यह सनसनीखेज मामला है जिले के आदिवासी अंचल रावटी क्षेत्र का। ग्राम भूतपाड़ा निवासी रमेश ने आज जनसुनवाई में शिकायत की कि गांव की जमीन सर्वे क्रमांक 112 रकबा 2.00 पर उसका और उसकी पत्नी का नाम दर्ज है। इस जमीन की पावती भी बनी हुई है जो कि मेरे द्वारा बजरंगगढ़ की पटवारी सोनिया चौहान से बनवाई गई थी, लेकिन यह पावती फर्जी है। इसका खुलासा तब हुआ जब वह जमीन का खाता खसरा की कॉपी निकलवाने के लिए पहुंचा। वहां इस जमीन का खाता खसरा की नकल मेरे और मेरी पत्नी के नाम से नहीं निकल रही थी। कंप्यूटर के रिकॉर्ड में यह जमीन सरकारी बताई जा रही थी। खाता खसरा निकालने वाले व्यक्ति ने बताया कि पावती दी गई है वह फर्जी है। रमेश ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने इस जमीन की पावती बनाने के लिए बजरंगगढ़ की पटवारी सोनिया चौहान को टुकड़ों टुकड़ों में करीब 1,90,000 की राशि दी और साथ में उनके घर की पुताई का काम भी किया। शिकायत में रमेश ने फर्जी पावती बनाकर देने वाली महिला पटवारी के खिलाफ कार्रवाई कर उसके रुपए वापस दिलाए जाने की मांग की है। इस शिकायत पर कलेक्टर ने सैलाना SDM को तत्काल जांच कर 3 दिन में जांच रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराने को कहा है। सर, आज रावती का कोई मामला आया फर्जी पावती का, क्या मामला है और किसने शिकायत की है और किस व्यक्ति ने ये फर्जी पावती बना के दी? देखिए, जो आज की जनसुनवाई में के प्रश्न आया है कि मिस्टर रमेश देवड़ा है शिकायत करता, उन्होंने ये बताया है कि बजरंगगढ़ रावटी की जो पटवारी है उसने 1,90,000 रुपये लेके फर्जी पावती बनाई है। इसकी जो एक हम लोगों ने जांच की, SDM साहब से जो चर्चा की, तो वो ऑलरेडी इसकी एक जांच कर रहे हैं। इसमें पटवारी और गांव के अन्य लोगों के, गणमान्य लोगों के जो बयान आए हैं उसमें ये है कि गांव के लोग रमेश पे आरोप लगा रहे हैं और रमेश जो है पटवारी पर आरोप लगा रहा है, तो ये कहना मुश्किल है कि इसमें पैसों का सर्वेयर हुआ या नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक बात ये फर्जी पावती की, तो उसमें तसलार की सील का उपयोग हुआ है, वो गंभीर मुद्दा है। इस संबंध में हम तथ्यात्मक जाँच कर रहे हैं और जाँच करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे 400 BC की और दूसरे अन्य सेक्शन जो बनते हैं। शिकायतकर्ता रमेश ने बताया मामला हुआ था, किसने आपके साथ में मामला? मेरा पिताजी जमीन रोक रखी थी साहब, तो मैं वहाँ बोवा ने जो तो जो खेड़ी वाला है मेरे पर मतलब 100 नंबर डायल कर दी थी, तो मैं मैडम के ऊपर फ़ोन लगाया, मेरे तो मैडम 100 नंबर क्यों डायल कर रही थी कि अरे तू तो रावटी आ जा फटाफट, रावटी जो रावटी थे डायरेक्ट तो तू व्यवस्था कर ले पैसा रही, पैसा नहीं व्यवस्था करी मैं डायरेक्ट बकरियां वैसे मंगलवार को यहाँ शिवगढ़ ने डायरेक्ट में मेरा साथी था इसको लेके बैठा के बकरियां बैठाई ने शिवगढ़ वैसे डायरेक्ट 20,000 दीदा 20,000 दे दीदा ने फिर की तो रमेश पैसा और देना पड़ेगा तेरे को। कितने पैसे दिए अभी तक? 20,000 शुरू में दीदा और 50,000 रुपये एक दिया, 15,000 एक दिया, 15 एक और दिया। इस बात के लिए के तेरे को पट्टा बना के दूं मैं उस जमीन, हाँ उस जमीन का। कौन, किसने आपसे लिया, क्या नाम है? सोनिया सोहान पटवारी। कौन से लोग हैं गांव के, उन लोग इस तरह से लिए क्या? दूसरा है निर्दय, बस वही नहीं दिया मैं डायरेक्ट। अच्छा, गांव में और भी लोग हैं जिनके इस तरह से जो है पावतियाँ बनाई किसी ने? मेरे को पता नहीं है साहब, होगा कोई फिर तो अपन पता नहीं, पर अपन हाथ ये ठगी करी बनी। क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अब कह रही मैंने तो दिया ही नहीं, ये पावती भी नहीं थी तेरे को। अच्छा, क्या मन, कब की बात है ये सब? 2-3 महीना हो गया। आपने कोई शिकायत वगैरह की जब आपको ये पता चला कि ये नकली पावती है? मैं जब साहब खाद बीज लागिन खाऊँ 1,00,000 रुपये लगी, जब बाकी खाद निकाली ना खाऊँ तो मना की दुनिया नकली है, नहीं निकल रही है, तो सरकारी जमीन है, बाकी ये खाता नकल नहीं निकलेगा, ये किसने दिया तेरे को? यूँ तो मैं डायरेक्ट भी पूछो के तू तो मेरे को मरवाएगा, यूँ कर मतलब माथे हवा लगी, फिर एक हटा भैया फिर पूछताछ करवा जा पति मारवान उठे मैंने। कहाँ रहती है ये पटवारी? ये मोरिया बिलड़ी है पर अभी रतलाम में। कहाँ पे जीती पटवारी? काम पावती काम बुला के दी रावटी 15 दिन तक काम की रही घर पे कोताही करी मैं ने फिर दी उसने। उसका भी पैसा नहीं दिया?
काम का 100-200 रुपया दे दी तो धाड़की की दीवे नहीं दी फिर बाकी वाह मैं लालच में प्रोजेक्ट पपावती दी देगा तो वाह यूँ करी। कितना बीघा जमीन थी? सेविका मारा नाम की सेविका मार घर वाले के नाम से टोटल 12 बीघा की बना 12 बीघा की। हाँ तेरे को 12 बीघा को हक बना के दूंगा और मैं टेंशन कहाँ लेता हूँ। कितने टाइम से जमीन पे होती? मैं तो यूँ अभी 10 साल से करता हूँ। कितने पैसे और मांगे तुम? अभी नहीं मांगा, अभी तो वो पावती मंदिर दी थी कहीं मांगे। अभी कह रही क्या मतलब है, कह रही ये कहाँ से बने लाए मेरे को मालूम नहीं। टोटल कितने? 1,90,000 रुपये दिला। 1,90,000? हाँ। नकली पावती का मालूम पड़ जाए 1,00,000 और 90,000। हाँ खाद लेने के लिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि फिलहाल उतने मामले नहीं हैं कि एक्शन लेने की जरूरत पड़े। सरकार ने जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज को तैयारी पूरी रखने और समय समय पर समीक्षा करने के निर्देश दे रखे हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया और तैयारियों को परखा गया। फीवर क्लिनिक को भी सक्रिय रहने को कहा गया। मंगलवार को जिला अस्पताल में कोरोना के यदि लक्षण पाए जाते हैं तो संख्या को देखते हुए किस तरह से उपचार करना है उसकी रिहर्सल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान जिला अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट तो चालू मिला लेकिन फीवर क्लिनिक और लाइफ सपोर्ट सहित अन्य कुछ मशीनों की पोल खुलकर सामने आ गई। एम्बुलेंस सहित अन्य उपकरणों को भी परखा गया और हर उपकरण को दुरुस्त कर संसाधन चालू हालत में रखने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया, हमारी जो मॉक ड्रिल है ये कोविड के संभावित केसों को बढ़ते हुए संभावित केसों को मैनेजमेंट करने के लिए उनका रोकथाम के लिए और उनके उपचार के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन प्लांट आप लोगों ने भी देखा, ये ऑक्सीजन प्लांट हमारा जो है 500 LPM का है, 500 लीटर प्रति मिनट का। ये ऑक्सीजन प्लांट हमारा 24 घंटे चालू है लगा है, जब से लगातार 5,000 घंटे चल चुका है ये प्लांट। और हमारे हमारे जो है ICU है, कोविड ICU है, ऊपर नीचे ये सारा यहाँ से सप्लाई हो रहा है। और इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है और हमारे पास करीब करीब 300 बेड हमारे ऑक्सीजन बेड ऑक्सीजन के बेड हमारे पास है और सभी बेड क्रियाशील है। एपीडी सब हाँ ओटी तक भी हमारे हमने ऑक्सीजन लगा रखी है। क्या कारण है सर ये मॉक ड्रिल लेट हुआ? नहीं, मॉक ड्रिल हमारी सुबह चल रही 10 बजे से। आपने जो मॉक ड्रिल देख रहे हैं वो मॉक ड्रिल का हिस्सा था और उसमें मरीजों का तो कोई ऐसा था नहीं, पर हमारे एम्बुलेंस रतलाम पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा सट्टा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। माणकचौक थाना प्रभारी और स्टेशन रोड थाना प्रभारी उनकी टीम द्वारा सोमवार को क्षेत्र में सटोरियों के विरुद्ध चेकिंग की गई एवं संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई। इस दौरान मुखबिर द्वारा सट्टा करने की सूचना मिलने पर जांच करते हुए डालूमोती बाजार में दो सट्टेबाज आसिफ पिता रसिद खान उम्र 55 साल निवासी मराठोगवास रतलाम तथा साबिर पिता फकीर मोहम्मद उम्र 70 साल निवासी हाट रोड रतलाम को सट्टा अंक लिखते पकड़ा गया। इसी प्रकार नाहरपुरा क्षेत्र में बदन सिंह पिता रतन सिंह राठौर उम्र 57 साल निवासी झाली का नोहरा गांधी स्कूल रतलाम को सट्टा अंक लिखने की सूचना पर सट्टा करते पकड़ा। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। शराब पीकर वाहन चलाने के दौरान पिछले 2 दिनों में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 11 चालकों के विरुद्ध 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। माणकचौक थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया, आपके निर्देश पर कुछ सट्टे वालों पर कार्रवाई की गई, किस तरह की कार्रवाई और कितनी कार्रवाई की गई? जी, SP साहब ने निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में कहीं भी सट्टा जो है अवैध गतिविधि संचालित ना हो, इसके पालन में माणकचौक पुलिस द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। इसमें कल 3 सट्टा करने वालों को के खिलाफ किया गया है। कुल कितनी रकम जब्त हुई है? 3 लोग हैं, मदन राठौर, साबिर और आसिफ, अलग अलग जगह से जब्त किए हैं सट्टा सामग्री और नकद मिले। सर कुछ IPL का भी सट्टा पकड़ा? जी हाँ, वो IPL परसों शाम की बात है। ये अपना त्रिवेणी कुंड के पास एक आज़ाद खान नाम का व्यक्ति है, उससे IPL का सट्टा फोन में कर रहा था। इससे 3 मोबाइल फ़ोन जब्त हुए हैं, इसमें ये ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू सट्टा घर खेला था, ये जब्त किया।
जूस लेने पैदल जा रही एक 58 वर्षीय महिला सड़क हादसे का शिकार हो गई। बताया जाता है कि रेलवे कॉलोनी में रहने वाली माला देवी पति गोपाल राठौर जूस लेने जा रही थी, तभी तेज रफ्तार से आए एक बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। घायल महिला को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। जिला अस्पताल में उपचार करवा रही महिला ने बताया। क्या नाम है आपका? मंगला राठौर। क्या हुआ, कहाँ पे का एक्सीडेंट हुआ? वो रेलवे ग्राउंड के वहाँ वो जूस वाले की दुकान है, वहाँ मैं जा रही थी, रोड क्रॉस करके उसने जब आया और ठोक दिया पीछे से। आपको यहाँ कौन लेके आया? वही लेके आया मेरे छोरा, वहाँ मेरी बहू और हम साथ में थे। ठीक है। उनको साइड में मैं खड़ी करके जूस लेने जा रही थी दुकान पे, उसने किधर से आया ठोक दिया। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ, 25-30 हज़ार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हज़ार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करे भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी हमें तो 2 दिन में लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया। क्या है, क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें KFS कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 2 बत्ती रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।